हेलो नमस्ते, मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ लोटस या कमल का महत्व। कमल हमारा इंडियन नेशनल फ्लावर है, द फ्लावर ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड सिंबल ऑफ प्योरिटी। दुनिया भर की अलग अलग संस्कृति में, आध्यात्म में कमल का बहुत ही महत्व है। अलग अलग रूप में पवित्रता, शांति, कोमलता और देवीय शक्ति का प्रतीक है। अगर हम मानव जाति की या इंसानियत की बात करें तो कोई भी गंदगी हो, कीचड़ के बावजूद अपनी खूबसूरती को, अपने गुणों को कैसे बेदाग और पवित्रता से भर के यथावत रखना चाहिए, या फिर अपने गुणों को कैसे निभाना चाहिए, उस पर कैसे खरे उतरना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, आसपास का माहौल जैसा भी हो, बुरे लोग हो, नकारात्मक ऊर्जाएं हो हमारे आसपास, उसके बावजूद हम अपनी खुद की अच्छाइयों को, वफादारी को और नैतिकता को कैसे निभाए, कैसे उसको बरकरार रखे, इन सभी गुणों को हमें सिखाता है कमल का दृष्टांत। कमल मन की पवित्रता, अच्छे व्यक्तित्व की सुंदरता और मन की शांति और संतुलन का भी प्रतीक है। अच्छी सेहत, सुखी जीवन, लंबी आयु, समृद्धि को आकर्षित करता है। सिंबल ऑफ गुड लक और ऑनर भी है। इन सभी गुणों के कारण ही उसकी महत्ता इतनी ज़्यादा और उच्च स्थान पे है। हमारे जीवन में, अलग अलग संस्कृति में उसका बहुत ही अधिक महत्व है। अगर हिंदू संस्कृति की बात करें तो कमल में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है, निवास करती है, उनका अत्यंत प्रिय फूल है। जब भी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, यह फूल अवश्य चढ़ाया ही जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उसके अलावा शांति, समृद्धि, सद्भावना को हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में लाता है, ऐश्वर्य को और लंबी आयु को भी हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जैसे तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है, उस तरह से कमल भी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फूल है। हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ बौद्धिक मठों में भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास, माँ तारा की मूर्ति के पास भी आपको कमल हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अलग अलग इच्छा की पूर्ति के लिए अलग अलग रंगों के कमलों को चढ़ाया जाता है, जैसे कि शांति और मन की प्रसन्नता के लिए सफेद कमल, बुद्धि और ज्ञान के लिए नील कमल, प्यार और मधुरता के लिए गुलाबी कमल, समृद्धि के लिए और प्रगति के लिए पीला कमल, और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हमारे इच्छा पूर्ति के लिए तथा खूबसूरती के लिए लाल कमल को चढ़ाया जाता है। इस तरह से अलग अलग रंगों के कमल का अपना अलग अलग महत्व है। कमल को धन्यवाद का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे ही हम ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनको फूल चढ़ा के, कमल चढ़ा के, गुलाब चढ़ा के, तो इस तरह से कमल धन्यवाद व्यक्त करना सिखाता है। हमारे जीवन में जुड़े हुए सभी व्यक्ति, वस्तु, सजीव चीज़ें हो या फिर निर्जीव चीज़ें, जो भी हमारे जीवन में काम आती है, जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, इस तरह से चाहे कोई भी छोटे से छोटे व्यक्ति हो या फिर छोटी सी छोटी चीज जो हमें थोड़ा भी मदद करती है, हमारे लिए थोड़ा भी अगर काम में आती है, तो उन सभी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। उन सभी के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। तो हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड का महत्व, आभारी रहना, किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना सिखाता है हमें कमल का दृष्टांत। जैसे मयूर पंखों का महत्व है, ठीक उसी तरह से कमल का भी महत्व है। कमल का अलग अलग प्रतीक हमारे घर में हमें रखना चाहिए, या फिर हमारे काम करने की जगह पे रखना चाहिए। जैसे मयूर पंखों को हमारे घर में, हमारे मंदिर में या फिर हमारे ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा के लिए, शांति और समृद्धि के लिए रखा जाता है, ठीक उसी तरह से कमल की अलग अलग चीज वस्तुएं हैं। जैसे कि कमल के शेप का कैंडल होल्डर है, कमल के फूलों का फ्लावर वाज है, या फिर कमल का कोई पेंटिंग, वॉल पीस, कोई भी जो कमल का प्रतीक है, चिन्ह है, उसको आप अपने घर में, ऑफिस में, मंदिर में आप लगाए, और सकारात्मक ऊर्जा, उजास, प्यार, शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आयु और पवित्रता को अपने जीवन में आकर्षित करें, और हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी कमल के महत्व के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।